ड्यूक स्नोज यहाँ से ट्रैक शुरू हो रहा है. वी केम फ्रॉम हियर. चलो लेट्स हियर इट गाइस. बारिश हल्की हल्की प्यारी प्यारी गिर रही है. हमारा ट्रैक शुरू हो रहा है. ये सीजन का पहला मॉनसून ट्रैक इज ऑन बेबी. देखो यहाँ पे पार्किंग भी है अंदर और यहाँ से प्रॉपर चढ़ान है तो यहाँ से ट्रैक शुरू होता है. दिस इज द प्लेस. पोलीला विला तक चल के आओ या रिक्शा में आ रहे हो तो वहाँ तक लो. फिर वहाँ से यहाँ तक आओ और यहाँ से ड्यूक स्नोज ट्रैक चालू होता है. छोटा सा ट्रैक है प्यारा स्वीट तो वी गोना एंजॉय. सारा फॉग है. क्या फॉग है यार. फॉग ही फॉग है. हम लोग इतना टाइम पास कर रहे हैं ना पूछो मत. आराम आराम से टाइम पास. अभी एक्चुअल चढ़ाई शुरू हुई है. यहाँ से एकदम स्टीप है और यहाँ से थोड़े पत्थर पत्थर में से है तो यहाँ से ऐसे ऊपर जाके इसके पीछे पीछे जाना है. और यहाँ से भी एक रास्ता है जो बहुत स्लिपरी है और इसकी भी है. वहाँ पे एक तरफ खाई है तो यहाँ से अभी हम लोग ऊपर जाएंगे. थोड़ा ट्रिकी है कि एक राइट लेफ्ट अलग अलग आते हैं वो देख के चढ़ना पड़ता है. और स्टीप भी है. जो स्टीप पोर्शन है वो चालू हो गया. हवा तेज़ हो गई एकदम. पंद्रह बीस मिनट स्टीप है और आड़े टेढ़े रास्ते हैं तो मुझे वो पुराने दिन याद आ गए कि हमने इतने बड़े बड़े ट्रैक किए तो थकते जाओ चढ़ते जाओ थकते जाओ. आधा घंटा चढ़े तो देखा लोगों की आवाज़ आ रही है तो थोड़ा ऊपर आए तो देखा यहाँ पे तो मंदिर दिख रहा है. मुझे पता नहीं चला वी आर ऑन टॉप. लोग हैं यहाँ पे. फॉग जा रहा है फॉग जा रहा है. ठीक है सर. एक बार वो पार्टी से फॉलो अप भी कर लो अगर नहीं आ रहे.
वो जहाँ से एक्चुअल ड्यूक्स नोज दिखता है ना, जो वो नागफनी जिसे कहते हैं ना, वो दिखता है वहाँ से, वहाँ पे जा रहे अभी। सेम है, सेम है, उधर से ऊपर जाओ। हाँ ये फाइनल स्पॉट, यहाँ से ड्यूक्स नोज दिखता है, नागफनी, नागफनी। ये है ड्यूक नोज, ये ऐसा है, ये ऐसा शेप है, ये भी है ड्यूक नोज का भाई, और इसका भी एक नोज है अपने पास, इसका नोज देखते पहले। देखो ये है ड्यूक नोज, उनके नाक का शेप ऐसा था, और इसे नागफनी भी कहते हैं। और एक नीचे से भी एक व्यू है, वो हम लोग नहीं देख सकते, यहाँ से एक व्यू दिख रहा है, तो आपको ऐसे कंपेरिजन करता हुआ देखो, ये मेरे दोस्त का नाक है एकदम शेप में, और सेम एक ये बड़ा नाक यहाँ पे। हम लोग को तो वहां जाने का रास्ता दिख रहा है, लेकिन हम लोग तो आए थे वहां से, वो जाने वाला जो चलने का उतरने का स्टेप देख रहे हो तुम वहां से। अच्छा ये वो वाला है, अभी समझा। नहीं नहीं वो नहीं है, ट्रैक कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग जिस स्पीड से नीचे उतर रहे, मुझे लग रहा है 15-20 मिनट में पहुंच जाएंगे नीचे। हमें एक अंकल ने एक अलग रास्ता बताया था, तो उसमें हमारा और 15-20 मिनट वेस्ट हो गया, वो थोड़ा रिस्की था। हम लोग आगे तक गए फिर वापस आए, तो ये जो रास्ते से हम लोग चढ़े थे वही रास्ते पर उतर रहे। ऐसे मुझे नहीं लगता वो अंकल ने ऐसे गलत रास्ता बताया होगा, पर उन्होंने शायद पुणे वाला या कोई और रूट का रास्ता बताया होगा, पर हम लोग तो लोनावला वाले रास्ते से आए थे, तो हम लोग पहाड़ के अपोजिट साइड जा रहे थे। मुझे वो फील हुआ, मेरे दोस्त को भी वो फील हुआ कि हम लोग गलत जा रहे हैं। बहुत टाइम तक देखा, थोड़ा गए नीचे, फिर उसके बाद वापस रिटर्न आए, और वो थोड़ा थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा डेंजर रास्ता था। दर्शकों ये व्यू देख के खुश रहो, आबाद रहो, जिंदा रहो, मज़े करो, खाओ पियो ऐश करो, और ये गाय को भी देखो। ये व्लॉग और ये ट्रैक और ये माहौल, ये मौसम, इसमें मैं तो अभी इंजॉय करूँगा घर पे जाने तक, पर ये व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा शॉर्ट एंड सिंपल स्वीट ट्रैक,
आप लोगों में से कोई बिगिनर है तो मैं उनको सजेस्ट करूँगा ड्यूक स्नोज करो ट्रैक। ये एकदम सिंपल है, खाली रास्ता थोड़ा ट्रिकी है कि आपको राइट लेफ्ट ऊपर नीचे देखना पड़ेगा, बाकी छोटा ट्रैक है एकदम। जो एकदम रॉ न्यू बिगिनर होगा ना उसको भी आधा घंटा लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट्स, और जो बहुत ओवरवेट है ना वो एक घंटे में ही कर लेगा। मतलब सोचो एक घंटा एकदम मैक्सिमम एक घंटा, बाकी हम लोगों ने तो आधे घंटे में कर लिया। एक घंटे में अपना ये ट्रैक कंप्लीट हो गया ड्यूक स्नोज। बारिश में एक अलग माहौल होता है, और व्यू देखना है तो विंटर में आना है। और आप लोगों में से कोई ऐसा है जो बारिश में आ रहा है और बिगिनर है व्यू के लिए आ रहा है तो मत करना। चलो ये ट्रैक तो यहीं पे ख़त्म करते हैं। व्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अभी सीज़न शुरू हुआ है, बहुत व्लॉग आने वाले हैं, वाटरफॉल ट्रैकिंग वैकिंग सब करेगा तुम्हारा भाई। चलो नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी मिलते, बाय।